मैंने सोचा थोड़ी सी देर एक्शन कैम बंद कर देते हैं, लेकिन भाई साहब इतने में नज़ारे वापस से सामने। अब नज़ारों के साथ फिर रोड की समस्या आ जाती है, रोड ख़त्म हो जाती है जहाँ नज़ारे आते हैं अच्छे। लेकिन भाई साहब ऊपर देखो ना, वहाँ लिटरली जो बादल हैं भाई साहब बहुत ही शानदार लग रहे हैं यार। और इधर देखो ये घाटी, घाटी के बीच में से जो नदी निकल रहा है कितना शानदार लग रहा है यार। वाह एक नंबर, कितना प्यारा लग रहा है यार। यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है कि यहाँ पे चट्टाने गिरती है, यूज सीट बेल्ट, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। आगे काम भी चल रहा है शायद, ऐसा लग रहा है। खतरनाक माहौल होता जा रहा है यार धीरे धीरे। इस रूट पे तो मैंने एक चीज़ देखी है, पास गलती का कोई ऑप्शन नहीं है। आपने गलती करी और सही बताऊँ तो यार मेरे को तो जो उत्तराखंड में हमने करी थी तो उससे टफ लग रही है मेरे को अभी। आप सब लोगों की दुआएं होनी चाहिए साथ में। आगे ट्रैफिक जाम है, यार साइड में बिल्कुल जगह नहीं है किधर ही। अरे दो ट्रक फंसे हुए सामने मेरे, हाँ दोनों आमने सामने। यहाँ पे तो भाई साहब ट्रक भाई साहब एक दूसरे में फंस रहे हैं पूरी तरह। सीन ये है यहाँ पे पूरा लंबा जाम लग गया है। यहाँ हम भी फंस गए हैं और उधर जेओ लोग भी फंसे हुए हैं। ये फंसे हुए, निकल रहा है, निकल रहा है। ओके गेट रेडी। यहाँ पे ये पत्थर उठाने का काम चल रहा है इसलिए समस्या आ रही है। वाह यार ये तो कोई डैम है, शानदार लग रहा है डैम के। हम डैम के ऊपर से जा रहे हैं इस समय। ओ भाई कैसी जगह पे आ गए हैं, सामने फिर से वही नज़ारा। देखो पेंटिंग बनाते ना कोई वैसे इस टाइप से। देखो ये पहाड़, ये पहाड़, पहाड़ के पीछे एक और पहाड़, पहाड़ के पीछे एक और पहाड़, और फिर वहाँ पे वो बादल और सामने भाई साहब ये रोडवेज है ना। इन रोडवेज से बच के अभी लिटरली ये पीछे मेरे को रोडवेज ही बना देती। रोडवेज से तो भाई साहब बस के चलो, जैसे दिखे आप साइड में खड़े जाओ। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ख़राब रोड। ओके आ गए, यहाँ पे जाम आ गया है तो यहाँ पे अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। ओके यहाँ पे वापस से जाम में फंस गए हैं, नहीं आएगी मेरे को ऐसा लग रहा है। अबे आगे निकल जाएगी तब तो घुसेड़ू। अरे निकल गए क्या, निकल जाएगी है मेरी। जेकी निकल गई क्या, वो वो वो। निकल गई, निकल गई, निकल गई, निकल गई, निकल गई, निकल गई। बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक, 5 बज गए हम लोगों को यहीं पे ही। डोंट नो कब तक सहन करना पड़ेगा ये गंदे वाला ट्रैफिक। हाँ बहुत ही देर के बाद थोड़ा बहुत गाड़ियाँ मूव करने लगी है। यहाँ पे सारे बाइकर्स हैं, सब एक साथ इकट्ठे हो गए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई साहब इतनी ट्रैफिक, इतना भीड़ है तो मनाली में क्या हाल चल रहा होगा। और ये जाम काफ़ी लंबा जाम है, बहुत बहुत लंबा जाम है, बहुत लंबा, करोड़ों किलोमीटर लंबा जाम हो गया यार ये तो। ओके क्विक अपडेट, यहाँ पर टाइम हो गया है
5:21 और हम लोग अभी भी जाम में फंसे हुए हैं भाई साहब। गलती से भी मनाली इस साल तो मत आना, अगली साल आना। इस साल आओ तो अपनी गाड़ी में पूरा राशन, पंखा, टेंट, हवा सब कुछ भर के लेके आना, क्योंकि आपको भाई साहब इस जाम से निकलना पड़ेगा। तो अगर इस जाम से बचना चाहते हो तो आप अपनी राइड है ना सुबह जितना आप टाइम समझ के चल रहे हो उसका डबल टाइम लेके निकाल के आओ, तभी आप लोग यहाँ पे पहुँच पाओगे। नहीं तो भाई साहब यहाँ पे हालत ऐसी होने वाली है हम लोगों के जैसे। हम लोग शायद 2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया हमको जाम में फंसे हुए। अभी टाइम हो गया है 5:42, अब जाके थोड़ा सा यार जाम में आराम मिला है। यहाँ पे भाई साहब ये चट्टाने तो काफ़ी भयंकर लग रही है, पत्थर ऊपर से गिर के गिर जाए तो यहाँ पे ये जो नदी चल रही है हमने बाइक को अभी वहाँ पे लगा दिया है। शुभम यहाँ पे रुका हुआ है फोटोग्राफी करने के लिए और भाई साहब यहाँ तो व्यू अल्टीमेट आ रहा है। ओ भाई साहब जा रहा तू? अच्छा ये ट्रॉली मंगा रहे हैं भाई। और अंकल जी तो डायरेक्ट उससे जा रहे हैं, बड़ा ही डिफिकल्ट रास्ते से जा रहे हैं यार। फिर से खराब रोड, रोड ही नहीं है इनफैक्ट। अब जाके थोड़ी बहुत सही रोड आई है, देखते हैं ये रोड कितनी देर तक है। हमारे रास्ते की पहली सुरंग आई है यहाँ पे। ओके यहाँ पे एंड हुई है ये टनल, अच्छी खासी लंबी टनल है यार। हाँ लाओ। ओह माय गॉड ये नदी कौन सी है? ब्यास सेम है, ये रोहतांग से निकलती है। यहाँ के ओल्ड ब्रिज पे आ गए हैं भाई साहब, ब्रिज ठटक 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 बज रहा है। और इधर देखिए पानी, इधर देखिए पानी, वाह एक और शानदार ब्रिज। भीड़ ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, ख़राब रोड ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। मतलब ख़राब रोड होती कोई बात नहीं, लेकिन उस पर फिर ट्रैफिक जाम, ऊपर से ख़राब रोड, दोनों मिक्स, उन दोनों ने बहुत परेशान किया है। इसके कारण से थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, लेकिन भाई एनर्जी तो अब आएगी क्योंकि हमने आज हमारा जो भी राइड का कौन सा भी जो नेक्स्ट दिन है, डे 1 डे 2, क्योंकि डे 1 को मैंने ब्लॉग नहीं किया, डे 2 डे 3 जो भी नेक्स्ट दिन है आप देख लो, कंटिन्यूस सीरीज चली रही है, वो ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे शाम हो चुकी है, सवेरा आने को है। और आप भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि भैया जाने को है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हाँ वीडियो लंबे जरूर बन रहे हैं, लेकिन भैया लद्दाख की वीडियो अगर लंबे नहीं देखे तो फिर क्या देखा, मज़ा थोड़ी आएगा। वीडियो लंबे ही बढ़िया लगते हैं लद्दाख के, तो टाइम निकाल के देखिए, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर आपने अभी तक पूरा देखा तो इसका मतलब है आप
आपको वीडियो पसंद आया है तो भैया लाइक तो करके जाओ, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ। अरे आपका कोई भाई बहन मित्र दोस्त है जिसको कि राइडिंग और घूमना फिरना पसंद है तो भैया उसको शेयर तो करके जाओ। तो हम लोग यहाँ पे मनाली में पहुँच गए हैं और हमने रूम ले लिया है, तो कुछ बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाते हैं कि मतलब आप लोग देखते हैं कि वीडियो बनाते हैं और वीडियो के अंदर ये होता है वो होता है, लेकिन जब हम लोग रूम में आते हैं तो किस टाइप से सामान बिखरा हुआ आता है एक बार आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से फैला हुआ रहता है सारा सामान, ये देखो हमारा स्पेयर टायर, ये सारा मेरा सामान, और यहाँ पे ये हमारा चार्जिंग स्टेशन बना रखा है, एक इससे ये पावर बैंक चार्ज हो रहा है, पावर बैंक से ये सब बैटरीज चार्ज हो रही हैं एक्शन कैम की, और यहाँ पे इंटरकॉम चार्ज हो रहा है, और साथ में यहाँ पे जो है ये अपने छोटू लाल पे इस पर यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है हार्ड डिस्क के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।